गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरी आवाज़ जा रही है ना और आवाज़ के साथ साथ मेरा पिक्चर भी जा रहा होगा हमें देख भी रहे होंगे आप लोग यस नो में कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए देखिए नए साल 2024 का ये पहला क्लास साइंस का मैं ये ले रहा हूं और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2024 में आप सभी को कामयाबी के रास्ते पर चलना है कामयाबी की उस बुलंदियों को पकड़ना है जो जो अपना लक्ष्य मानकर आप लोग आए हैं मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा हमेशा आप मेरा मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और मेरा एक ही लक्ष्य है आपकी सफलता आपकी सफलता ही हमारी लक्ष्य है इसलिए मेरे डियर दोस्त मेरे भाइयों आप सभी लोग आप लोग जो जो लक्ष्य लेकर आए हैं वो लक्ष्य को एकदम निर्धारित कर लीजिए 2024 में कि हमें जॉब लेना है तो लेना है उसके लिए एक सीट हमारा किसी भी सेक्टर में आप जाइए चाहे रेलवे का सेक्टर हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का सेक्टर हो किसी भी सेक्टर में आपका एक फिक्स होना चाहिए जगह इतना समझ लीजिए आप लोग और रही बात साइंस के लिए तो साइंस के लिए मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर तैनात रहूंगा तैनात हूं और तैनात रहूंगा आपके लिए मैं चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आगाज हम लोग अपने एकदम अपने तन मन धन के साथ एकदम हम लोग जी जान के साथ एकदम हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हैं सफलता की ओर हम लोग चलेंगे और आपके साथ मैं हमेशा सा तैयार था हमेशा तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा ओके हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट और टेक्नीशियन को ही पकड़ना है देखिए ए एल पी हो गया आपका टेक्नीशियन हो गया ग्रुप डी हो गया एंड आदर्श आदर्श में सब आ जाएगा आपका आदर्श में सब आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का भी आ जाएगा जैसे बिहार वाले स्टूडेंट बिहार एसएससी के लिए तैयारी करेंगे यूपी वाले मेरे भाई लोग यूपी ए, आपका यूपी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है जैसे कि हाल फिलहाल में आपका यूपी पुलिस के लिए आया है इसमें साइंस का सब क्वेश्चन आपसे बनेगा इसके बाद में राजस्थान हो गया हर एक आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी जाएगी वो सब के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी चलिए साइंस का ये पीडीएफ आप लोग को अब डेली मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेजवा दूंगा डेली का डेली पीडीएफ जो स्कैन पीडीएफ रहेगा वो भेजवा दूंगा मेरा वादा है भेजवा दूंगा आप लोगों के लिए चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन खोल दिया जाए क्या क्या दरवाजा खोल दिया जाए क्वेश्चन का यस नो में जवाब दीजिए यस नो में जवाब दिया जाए दरवाजा खोलते हैं पहला क्वेश्चन आपके आपके बोर्ड पर और आपके माइंड में भी ये पहला क्वेश्चन होनी चाहिए देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोगों के मन में यह प्रश्न नहीं उठनी चाहिए क्वेश्चन का लेवल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया आपके स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यदि एक हीटर एक मिनट बीस सेकेंड में एक मिनट बीस सेकेंड का मतलब हुआ कि मिनट को भी सेकेंड में बदलना है आपको यदि एक हीटर एक मिनट बीस सेकेंड में साठ किलो जूल उत्पन्न करता है कितना किलो जूल साठ किलो जूल उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है उसकी पावर ज्ञात करना है सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग और आप सब, आप।, आप सब लोग लग जाइए अब अब सब लोग लग जाइए अब देखिए अब यहाँ पर समय दे दिया गया है टी का मान दे दिया है एक मिनट साठ एक मिनट बीस सेकेंड दिया हुआ है एक मिनट बीस सेकेंड का मतलब हो गया साठ प्लस बीस बराबर अस्सी सेकेंड हो गया एकदम बउवा लेखा बता रहे हैं एकदम बउवा लेखा बता रहे हैं कलम पकड़ कर मैं सिखा रहा हूं आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए आवाज कट कट क्यों कर रही है एक बार देखिए चलिए देखिए ध्यान दीजिए आप लोग अब अब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कह रहा है कि W का मान दिया हुआ है 60 किलो जूल दिया हुआ है 60 किलो जूल का मतलब 60 गुने दस का पावर जूल दिया हुआ है तो कह रहा है कि P बराबर वाट सूत्र में आ जाइए P बराबर W बाई टी आप लोग कहेंगे कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय कार्य बटा समय कार्य का मतलब यहाँ उत्सर्जित उस, उस उषमा उस से भी है मतलब W बराबर कार्य बटा समय हो गया कार्य कितना हो गया तो साठ गुने दस का पावर तीन और डिवाइडेड बाई समय हो गया अस्सी काट दीजिए बीस ती आई साठ बीस के अस्सी आज अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा सात सौ पचास वाट हो जाएगा सात सौ पचास वाट हो जाएगी चार बीन बटा चार गुने दस का पावर तीन तीन बटा चार गुने दस का पावर तीन कितना आ जाएगा आंसर तो कहिएगा सात सौ पचास वाट ये सब लोगों का आ रहा है बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा वाह बहुत अच्छा, अच्छा सात सौ पचास देखिए नए साल में आप लोग बहुत अच्छा से क्वेश्चन बना रहे हैं एकदम स्मूथली क्वेश्चन बना रहे हैं मतलब कि प्रैक्टिस आपका अच्छा है और इस प्रैक्टिस को बना कर रखना है निरंतर बनाए रखना है इस प्रैक्टिस को चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अच्छा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सब लोगों का आ रहा है अजीत कुमार भी आ गए आज शांति क्लासेस भी आ गए ये सब लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत अच्छा इसमें बहुत सारे शिक्षक लोग भी जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं है सब लोगों को सब लोगों का हक हा, है कि हम नौकरी लें निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है इसमें से मूल इकाई नहीं है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट याद रखिएगा बेसिक यूनिट इसमें से कौन नहीं है इसमें से बेसिक यूनिट कौन नहीं अभी भी आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर चलिए हैप्पी न्यू ईयर 2024 यानी कि सब लोगों को नए साल की नए साल की मुबारकबाद शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कामयाबी का वर्ष हो यही मेरी दिल से दुआएं हैं भगवान से हमारी ये हमारी एकदम हमेशा निवेदन रहेगा कि सब लोगों को सब लोगों के घरों में एक एक रोशनी फैले एक रोशनी आए और वो रोशनी आपकी सफलता के साथ होगी चलिए आगे आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है कि मूल इकाई इसमें कौन नहीं है कैंडेला कैंडेला है ना जी ज्योति तीव्रता का है ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का ज्योति का मतलब प्रकाश होता है प्रकाश की तीव्रता मूल जो होता है ये भी हमारा मूल इकाई है पदार्थ की मात्रा का अमाउंट ऑफ सबस्टांस का हो गया एम्पियर हो गया विद्युत धारा का हो गया विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का हो गया और रेडियन जो हो गया ना ये समतल कोण का मात्रक होता है ये समतल कोण का समतल कोण की इकाई है ये हमारा संपूरक भौतिक राशि है ये संपूरक भौतिक राशि में आएगा संपूरक भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएगा ये हमारा ये हमारा मूल इकाई नहीं है आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ना होगा थोड़ा सा के लिए आप लोग स्लिप करे नहीं यार स्लिप नहीं करो यार आप एकदम पटरी पर चलिए

आगे आगे हम लोग आते हैं आगे आगे मैं कि आगे आगे आप आगे आगे आप रहिएगा मेरे मेरे आगे आगे, आगे, आगे आपको रहना है अच्छे दिन आप मेरे से आगे निकल जाएंगे साइंस का क्वेश्चन बस आपसे बनने लगेगा मैं उस दिन समझ जाऊंगा कि हाँ आप अच्छा हैं अच्छा कर रहे हैं आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइएगा एक एम द्रव्यमान की गेंद सुनिए एक एम द्रव्यमान की गेंद एक ऊंचाई एच पर ले जाकर जमीन पर गिरा दी जाती है जब गेंद इस ऊंचाई के आधे से गिरती है तो गेंद का बेग आपका बेग क्या होगा गेंद का बेग क्या होगा बहुत अच्छा सवाल बहुत लाजवाब सवाल है ये सुनिए एम द्रव्यमान की एक गेंद को एच ऊंचाई पर ले जाकर जब गिराया जाता है तो कह रहा है कि हाँ गिराए आपका गिराई जाती है जब गेंद इस ऊंचाई के आधे से गिरती है सुनिए पहले कहा जा रहा है कि गेंद को पहले कह रहा है कि गेंद को एच ऊंचाई से गिराया जाता है जब हम लोग गेंद को एच ऊंचाई से गिराते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम द्रव्यमान का गेंद है और जब हम लोग एच ऊंचाई से इसको गिराते हैं जब एच ऊंचाई से यहाँ पर गिराते हैं तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर जब ये आ रहा है u बराबर जीरो मीटर पर सेकेंड है तो कह रहा है कि यहाँ अंतिम वेग क्या होगा अंतिम बेग तो ए ऊंचाई नहीं कह रहा है आपका कह रहा है कि जब इस गेंद को आधे से गिराई जाती है एच बाई एच बाई टोटल का टोटल हाइट तो यहाँ हमारा एच हो गया तो एच ऊंचाई से गिराएंगे तो इसका बेग कौन सूत्र से निकालिएगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच तो बताइएगा यू का मान जीरो हो गया तो यहाँ से भी निकालिएगा तो रूट अंडर टू जी एच के बराबर रूट अंडर टू जी एच के बराबर हो जाएगा ये बेग तो हो गया इतना के बराबर लेकिन आपका सवाल ये नहीं कह रहा है आपका सवाल कह रहा है कि आधा ऊंचाई से गिराएंगे तब क्या होगा तो आधा ऊंचाई से गिराएंगे तो सवाल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताइएगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच से तो अब आपका सवाल कह रहा है कि एच का मान एच नहीं है एच बाई टू है एच बाई टू है देखिए एच डैस यहाँ ले लीजिए आप लोग और एच डैस बराबर हो गया एच बाई टू कह रहा है तो इसलिए यहां से भी निकालिएगा तब भी बराबर कह दीजिएगा रूट अंडर रूट अंडर टू जी और यहां कहिएगा H बटा टू और टू से टू कट गया तो रूट अंडर जी के बराबर ये आपके प्रश्न का जवाब होगा अब बताइए आप लोगों का क्या है अब बताइए क्या आंसर आएगा ये कह रहा है कि एच ऊंचाई से गिराई जाती है तो जमीन तक पहुंचने में टू जी एच के बराबर लेकिन वही सवाल में कह रहा है कि एच बाई टू ऊंचाई से जब गिराएंगे तब तो क्या होगा तो डैश के जगह पर एच बाई टू तूर से टू कट गया तो जी एच के बराबर हो जाएगा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हाँ आ गया है आ गया है सबका सिलेबस सेम है आपको जीके जी, जी पढ़नी है सब में सब के लिए कॉमन सिलेबस है एक नंबर ऑप्शन आपका होगा एक नंबर होगा एक नंबर होगा सवाल को आधा अधूरा नहीं पढ़ना है आ, सवाल को पूरा करना है और सवाल पूरा तो लक्ष्य पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा आपका देखिए अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में ए आएगा कि बी आएगा ए आएगा एलपी का बैच लाऊंगा लाऊंगा एलपी का बैच मैं जरूर लाऊंगा जरूर लाऊंगा एलपी का बैच चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग सवाल समझ गए आप लोग ये अगला चार नंबर सवाल देखिएगा निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है मृदु माने मुलायम होता है बहुत मुलायम है इतना मुलायम होता है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है तो कहिएगा चाकू से काटा जा सकता है इसका घनत्व तो कम और गलनांक निम्न होता है सही बताइएगा यहाँ पर समझिए पहला ए समूह पहला ए और समूह दूसरा ए के तत्व जो होता है ना वो मुलायम होता है और साथ साथ इसको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है ऐसे तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है सुनिए <laughs> धातुओं का घनत्व तो ऊंच होता है लेकिन याद रखिएगा कुछ धातुएं ऐसा है जिसका घनत्व कम होता है जिसका आपका यानी कि गलना द्रवनांक भी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और हाँ उसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है तो चाकू से काटे जाने वाले में आर्सेनिक एंटीमनी, बिस्मथ आएगा एकदम नहीं आएगा ये <laughs> बेरेलियम कैल्शियम मैग्नेशियम बेरेलियम कैल्शियम मैग्नेशियम तो कहिएगा ये सेकेंड के अंतर्गत आएगा लेकिन ये पहला के अंतर्गत आएगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम राइट ऑप्शन <laughs> आप लोग पढ़े भी होंगे कि चाकू से काटी जाने वाली धातु तत्व तो तो में कौन आएगा तो सोडियम जनरली पढ़े होंगे आप लोग सोडियम जनरली पढ़े होंगे और याद रखिएगा इस सब को हम लोग मिट्टी के तेल में भी रखते हैं मिट्टी के तेल में भी हम लोग मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु तत्व तो तो कौन है तो सोडियम पढ़ते हैं आप लोग सोडियम पढ़ते आ रहे हैं आप लोग चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा एक बार मैं कमेंट सेक्शन पर विचार कर लू आपके गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है गुड इवनिंग नए साल की ढेरों सारी बधाइयां शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कामयाबी का वर्ष हो नाकामयाबी आपके मन से निकल जाए आपके दिल से निकल जाए आपके माइंड से निकल जाए और एकदम आप लोग कामयाबी की ट्रैक पर चलिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं चलिए अगला सवाल है किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है कहिएगा पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है और वो गुरुत्व बल जो होता है किसी वस्तु के भार के बराबर होता है याद रखेंगे कहेंगे कि वस्तु का भार जैसे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है नीचे में काम करेगा इस पर गुरुत्व बल काम करेगा गुरुत्व तो बल है. एफ बराबर होता है एम के बराबर और यही होता है भार के बराबर भार को कहते हैं वेट के बराबर तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाली फोर्स अब ग्रेविटी के बराबर होती है गुरुत्व बल के मान के बराबर होती है तो बताइएगा कह रहे है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को पृथ्वी का आकर्षण बल है ना गुरुत्व बल है F बराबर एम जी है वस्तु के डैश के रूप में जाना जाता है तो वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है भार हो गया और ये जरत तो जो होता है ना ये जरत तो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के ये कह दीजिएगा जरत्तों का जो ये हमारा लॉ ऑफ एनर्सिया है ये लॉ ऑफ इनर्सिया वाज गिन बाई कहिएगा न्यूट अब गैलीलियो गैलीली ने दिया था और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जरत्वों का नियम भी कहा जाता है पढ़े भी होंगे आप लोग जब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब तो फर्स्ट लॉ को जरत्तों का नियम भी कहते हैं घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है द्रव्यमान बटा आयतन हरेक पदार्थ का डेंसिटी अलग अलग होता है लेकिन किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है जो W बराबर एम होती है भार। W बराबर वही F बराबर एम, बराबर एम के बराबर <coughs> चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आगे आ जाते हैं अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर बैच कब लाइएगा सर बैच जरूर लाएंगे जरूर एकदम मैं प्रियांशु सर सर वाटर पी लीजिए चलिए वाटर पी लूंगा प्रियांशु राज भी लगे हुए हैं एकदम क्लास में डटे हुए हैं चलिए कोई बात नहीं है <coughs> चलिए ठीक है ठीक है बहुत ख्याल रखते हैं आप लोग हमारा कि पानी पी लीजिए चलिए अच्छी बात है अच्छी बात है ये बहुत अच्छा है चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हड्ज के बराबर है हड्ज हड्ज जो है ना आवृत्ति की इकाई होती है पानी लाओ बाबू <coughs> हट जो होती है आवृत्ति की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जिसको एफ से दिखलाते हैं एन से दिखलाते हैं तो कहिएगा प्रति सेकंड ये कहिएगा प्रति सेकंड प्रति सेकंड कंपनो प्रति सेकंड कंपनों या दोलनों दोलनों या चक्रों की संख्या या चक्रों की चक्रों की संख्या होती है प्रति सेकंड कंपनों या दोलनों या चक्रों की संख्या होती है इसका यूनिट अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होता है तो कहिएगा हर्ट जो होती है और हर्ट जो जो को हम लोग एच जेड से दिखलाते हैं वही एक बटा सेकेंड होता है यही सेकेंड माइनस वन होता है इसी को सी पी एस भी कहते हैं सी पी एस का मतलब साइकिल पर सेकेंड होती है सी पी एस का मतलब क्या होता है कहिएगा साइकिल पर सेकेंड होती है साइकिल पर सेकेंड होती है मतलब कि एक सेकेंड में कौ चक्कर लगा रहा है साइकिल का मतलब एक सेकेंड में कौ चक्कर लगा रहा है उसी को साइकिल पर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है चलिए हो गया यहाँ पर कौन हो जाएगा बाबा हज किसके बराबर मीटर बटा सेकेंड के नहीं ये मीटर बटा सेकेंड नहीं प्रति सेकेंड इसी को कह दीजिएगा प्रति सेकंड इसी को कह देंगे हम लोग प्रति सेकंड कहिएगा आ यही होता है प्रति सेकंड ही हमारा हर्ज के बराबर होता है एज्जट के बराबर होती है चलिए थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर ठीक है यार मैं स्लो पढ़ाऊंगा हज किस किसकी इकाई हो गया आवृत्ति की इकाई हो गया आवृत्ति का मतलब क्या होगा माध्यम का कोई कण एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है वही उसकी आवृत्ति होती है मानकर चलिए कि आप किसी गुलंबर के चारों तरफ घूम रहे हैं एक सेकंड में पचास राउंड लगा दिए आप तो आपकी आवृत्ति पचास हर्ज हो गया अगर एक सेकेंड में बारह चक्कर लगाए तो आपकी आवृत्ति बारह हट हो गया चलिए लिए चाणक्य नीति गुरु जी आप ना साइंस के सबसे बेस्ट शिक्षक हैं चलिए धन्यवाद थैंक यू आपको चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं आ, आगे आ जाए हैं देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपके लिए थोड़ा पढ़िए थोड़ा समय दीजिए आप लोग हमको थोड़ा समय दीजिए समय दीजिएगा तो मैं आपको द बेस्ट बना दूंगा वन ऑफ द बेस्ट बना दूंगा मैं आपको सफलता की ओर अग्रसर करवाने के रास्ते में मैं चल चुका हूं आपके लिए चलिए आइए हम लोग आ जाते हैं कील की नोक नुकीली क्यों की जाती है समझ लीजिए पहले आप लोग किल देखे हैं ना कांटी जिसको कहते हैं जिसको दीवाल में ठोका जाता है हथौड़ा से से हैमर मार मार कर ठोकते हैं चाहे आप लोग देखे होंगे सुई जाता है जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है ना तो सुई घोपा जाता है तो सुई को जब हम लोग देते हैं किसी की किसी किसी के बॉडी के अंदर कील को हम लोग दीवाल में ठोकते हैं चाहे आप लोग देखिएगा बुलेट की नोक जो बंदूक की गोली होती है उसकी नोक जो होती है ना पतली होती है कील का भी जो एरिया होता है ना कील का भी एरिया क्या होता है तो कहिएगा किल का भी एरिया जो होता है पतला होता है इसी प्रकार से देखिएगा तो सुई की नोक भी हमारा सुई के नोक का एरिया कम होता है और आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर देखिए दाब बराबर होता है दाब बराबर होती है बटा क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल होती है और यहाँ पर छोटा सा तो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा अगर ये अधिक होगा तो दबाव क्या होगा कम होगा दबाव कम होगा तो याद रखिएगा क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम और क्षेत्रफल कम तो दाब क्या अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा ज्यादा तो एरिया कम रखा जाता है कील का कील का एरिया इसलिए कम रखा जाता है कि दबाव ज्यादा पड़े मान कि दीवाल में तुरंत घुस जाए दीवाल के अंदर तुरंत चला जाए जिसके कारण इसके क्षेत्रफल को कम रखा जाता है और दबाव को बढ़ा दिया जा आपका दबाव इससे बढ़ जाती है इसी प्रकार से देखिएगा सुई के नोक का एरिया कम रहता है एरिया कम होने से किसी चीज पर दबाव ज़्यादा देगा कि कम देगा ज़्यादा देगा और वो तुरंत उसके अंदर चला जाता है लेकिन हाँ कहिएगा कि क्षेत्रफल के मान को बढ़ाकर दाब को घटा सकते हैं जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा तो दाब घटेगा जैसे दलदली स्थानों पर आप कैसे चलिएगा लेट कर चलिएगा लेट कर चलिएगा तो आपका संपर्क क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा आप पर दबाव कम पड़ेगी आप पर दबाव कम पड़ेगी तो दलदल में आप नहीं धंस पाइएगा आप लोग देखते होंगे कि जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो रेलवे लाइन के समानांतर पटरियों के बीच में ऐसे आपका लकड़ी का गुटका आरसीसी का आजकल गुटका रहता है सेमेंटेड ढलैया धल, सेमेंट का गुटका रहता है ताकि उस पर दबाव कम पड़े जब कोई गाड़ी जैसे कि कोई ट्रक उड़क जब जाता है तो देखिएगा दलदल वाले स्थान से जब गुजरता है तो लोग क्या करता है कि उस पर से बड़ा बड़ा सा आपका पटरा मान कि बड़ा बड़ा सा जो लकड़ी है ना लकड़ी लाकर नीचे रख देता है ताकि उस पर उसका एरिया बढ़ जाए संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दबाव उस पर कम पड़े दबाव उस पर कम पड़े डैम की दीवार को देखिएगा नीचे में चौड़ा बनाया जाता है और ऊपर आकर पतला कर दिया जाता है क्योंकि पानी के जैसे जैसे नीचे जाइएगा दबाव बढ़ेगा दबाव बढ़ने से वो दीवार टूट नहीं जाए जिसके कारण नीचे में चौड़ा रखा जाता है और ऊपर में पतला कर दिया जाता है तो बताएंगे कील की नोक नुकीली क्यों होती है तो कहिएगा कील की नोक नोक नुकीली इसलिए होती है कि क्षेत्रफल कम होने से दबाव ज्यादा पड़े और आसानी से वो दीवार के अंदर चला जाए आसानी से वो लकड़ी के अंदर चला जाए तो बताइएगा अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला दा, आ, बल अधिक दाब डालता है कहिएगा कि बड़ा क्षेत्र पर बताइए क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा तो दबाव कह रहा है कि अधिक होगा नहीं गलत हो गया अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल शून्य दाब डालता है नहीं अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल नहीं कह रहा है कि ये जब कम होगा तो ये भी कम कर रहा है तीसरा नहीं अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल हाँ, छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दबाव डालता है कौन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा बहुत अच्छा देखिए ऐसे ही प्रिपरेशन करना है आपको सोचना है जल्दी जल्दी बनाना बहादुरी नहीं है एक क्वेश्चन को सोचना है एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकालना है ये बहादुरी वाली बात होनी चाहिए जैसे अभी अभी हमने बताया डैम की दीवार नीचे में चौड़ी क्यों होती है रेलवे लाइन के समानांतर पटरियों के बीच में छिजाकार आरसीसी का गुटका क्यों लगाया जाता है जब आप दलदल वाले जगह पर चलिएगा तो एक पैर पर चलिएगा बैठ कर चलिएगा कि लेट कर चलिएगा तो और अच्छा रहेगा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अगला है उमा गतिकी के निम्न नियमों में से कौन सा नियम ताप स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा। आपका अच्छा क्वेश्चनों में एक है ये हमारा कह रहा है कि उष्मा के निम्न नियमों में उष्मा गतिकी के उष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है थर्मोडानेमिक्स का लॉ होता है जिसमें पहला नियम है दूसरा नियम है तीसरा नियम है तो पहला नियम में कहा जा रहा है ना सुनिए पहला नियम उषमा गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि हमारे पास टोटल उषमा क्यू है हमारे पास टोटल क्यू है और हम किसी आदमी को वो उषमा दे रहे हैं तो वो दो तरह देखिएगा तो वो दो तरह से खर्च करता है एक करता है कि आपका किए गए बाह्य कार्य में किए गए बाह्य कार्य में डब्लू मान लिए उसको और एक होता है कि जब उष्मा दे रहे हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है यह उषमा गति का प्रथम नियम है जो हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है ये यह हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है और यह नियम यह नहीं बतलाता है कि उष्मा किधर से किधर जाएगा अधिक ताप से कम की ओर जाएगा कि कम से अधिक की ओर जाएगा यह नियम नहीं बतलाता है इस नियम का मान इस चीज की जानकारी के लिए उष्मा गति का दूसरा नियम आया उष्मा गति के दूसरे नियम से यह बतलाया गया है कि उषमा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होती है उसमा गति के दूसरा नियम उसमा के प्रवाह की दिशा को बतलाता है लेकिन पहला नियम उषमा के प्रवाह की दिशा को नहीं बतलाता है पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को बतलाता है ये और हाँ आपका जो तीसरा नियम है तीसरा नियम कहता है कि आपका किसी भी वस्तु का टेम्परेचर परम ताप परम शून्य ताप माने जीरो केल्विन या माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस से कम होना उससे कम लाना संभव नहीं है उससे कम नहीं हो सकता है ये उष्मा गति का तीसरा नियम हमारा है तो कह रहा है कि गति के के निम्न नियमों में कौन सा नियम स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार है तो बताइए आप लोगों को मैं बता चुका हूं उषमा गति का उष्मा गति का सुन्यवा नियम नहीं जीरो थर्मोडायनेमिक्स नहीं जीरो कहता है कि जब ए बी और सी तीन वस्तु है ए बी और सी तीन वस्तु है जिसमें सी एक थर्मामीटर है तो सी जितना टेम्परेचर ए का मापता है उतना ही टेम्परेचर बी का मापता है मतलब कि ए और बी दोनों तापीय संतुलन में होता है यही बात उषमा गति का सुनवा नियम कहता है जिसको जीरो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है तो बताइएगा उष्मा गति का सुनवा नियम नहीं उष्मा गति का पहला नियम नहीं ये हमारा उष्मा गति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कहिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है ये और याद रखिएगा उष्मा गति का दूसरा नियम यही नियम बतलाता है उषमा के प्रवाह की दिशा को बतलाता है उषमा गति का दूसरा नियम उषमा के प्रवाह की दिशा को बतलाता है और उष्मा गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु का तापमान परम शून्य ताप से नीचे लाना संभव नहीं है परम ताप से नीचे लाना संभव नहीं है मैंने सारी की कुंडली मैंने एक ही से हम लोग सब कुछ देख लिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है हमारा <laughs> अगला सवाल है नौ नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर नौ नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर और जल्दी जल्दी बतलाइए सारा का सारा क्लासेस बतलाइए उज्जवल विशाल प्यूस एंड एंड शांति क्लासेस जल्दी बताइएगा डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है सुनिए रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन होता है मेरी बात समझ लीजिए पहले मेरी थेसिस पहले समझ लीजिए और उसके बाद में आप लोगों का गर्दा उड़ा दीजिएगा ये तो पता ही है हमको कि गर्दा उड़ेगा आपसे जितना भी हमारे श्रद्धालु हैं जितने भी इस मंच पर आए हुए हैं हमको पता है कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया दो में, में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है साथ था और साथ रहेगा ध्यान दीजिएगा एक होता है भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में भौतिक स्टेट में परिवर्तन हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक स्टेट में मान कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है समझिएगा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक अवस्था में और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक आपका भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन जैसे देखिए हमारे पास ये कागज है अगर इस कागज को हम फाड़ देते हैं सुनिए कागज सेलो बताइए कागज में सेलुलोज होगा कि नहीं होगा होगा तो ये कागज़ है इसमें भाई बढ़िया कागज नहीं ना है अच्छा ठीक है चलिए टाइम टेबल है इसमें तो अगर ये कागज़ है इसको हम फाड़ दे रहे हैं तो अब बताइएगा फाड़ दिए हम तो ये कौन परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्यों होगा क्योंकि जब कागज को फाड़ दिए तो इसका बताइएगा रासायनिक गुण आपका भौतिक गुण और इसका भौतिक गुण सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा तो कहिएगा दोनों हमारा भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है तो भौतिक गुण परिवर्तन हो गया लेकिन रासायनिक गुण दोनों का क्या है सेम है इसमें भी सेलुलोज मिलेगा इसमें भी सेलुलोज मिलेगा लेकिन अगर इस कागज को जला देते हैं हम लोग कागज को जला देते हैं तो राख में बदल जाएगा तो राख का गुण केमिकल प्रॉपर्टीज और कागज का केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए अंतर आ गया कि नहीं तो, तो कागज को जला देंगे तो रासायनिक परिवर्तन लेकिन कागज को फाड़ कर टुकड़ों टुकड़ों में बदल दिया जाएगा तो कौन परिवर्तन कहिएगा भौतिक परिवर्तन यही कागज है अगर इस कागज को हम लोग कागज से नाव बना लिए इस कागज से इस कागज से कोई आपका फूल बना लिया इस कागज को कोई आपका आपको मांग चले कि इस कागज से कोई नाव बना लिया कोई फूल बना लिया तो ये सब सब का सब हमारा भौतिक परिवर्तन होगा हमारे पास ऊन है और ऊन के माध्यम से कोई स्वेटर बना लिया कोई टोपी बना लिया तो बताइएगा उसी ऊन को उलझा उलझा कर टोपी बन गया स्वेटर बन गया तो ये कौन परिवर्तन होगा तो कहिएगा ये भौतिक परिवर्तन लेकिन उस ऊन को जला दीजिएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो गया हमारे पास कोयला है इतना बड़ा बड़ा कोयला है कोयला को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिए तो ये बताइएगा ये हुआ भौतिक परिवर्तन लेकिन कोयला को जला देंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन आलू है आलू को काट दीजिएगा आलू काट दीजिएगा दो भागों में बट गया तो बताइए आलू दो भागों में ये बट गया तो ये भाग और इस भाग में क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा मिलेगा तो आलू को काट देंगे भौतिक परिवर्तन लेकिन आलू को पका दीजिएगा तो कह दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन है बर्फ है बर्फ पिघल कर पानी में बदल गया तो ये कह दीजिएगा बर्फ पिघल कर पानी में बदल गया तो ये भौतिक परिवर्तन फिर से चाहेंगे तो पानी को हम लोग बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका रासायनिक गुण उसका रासायनिक गुण सेम मिलेगा लेकिन भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया ये ठोस था अब ये द्रव में बदल गया तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया मोमबत्ती का जलना रासायनिक है लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा हमारे पास इतना बड़ा सोना है है नहीं सोना यार समझना सोना होना नहीं है हमारे पास इतना बड़ा सोना है सोना का येगो आपका हमारे पास बिस्किट है येगो और सोना के बिस्किट से हम कहते हैं कि हमको

तो बताइएगा श्वसन कौन परिवर्तन तो कहिए रासायनिक परिवर्तन पाचन कौन क्रिया तो रासायनिक परिवर्तन जितना भी उर्धोपतिज पदार्थ है उर्धोपतिज पदार्थ है वो सब का सब उड़कर गर्म करने से ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा और फिर गैस को जब ठंडा करेंगे तो फिर ठोस में आ जाएगा सभी का सभी उर्धोपतिज पदार्थ भौतिक परिवर्तन को ही बतलाता है तो बताइए एक अंडा का पकना <coughs> एक अंडा को एक अंडा को पकाना आप लोग अंडा खाते होंगे बहुत सारे इसमें से अंडा है अभी कच्चा है तो यह बताइए अंडा कच्चा है पक गया तो वो जम गया जम गया तो कौन परिवर्तन कहिएगा केमिकल चेंज हो जाएगा केमिकल ये केमिकल चेंज में आएगा केमिकल चेंज के अंतर्गत आ जाएगा हमारा ये एक आइस क्यूब का पिघलना हाँ ये को बर्फ है बर्फ पिघल गया तो कौन परिवर्तन होता है चलिए यहां पर कौन परिवर्तन हो गया तो कहिएगा कि आपका यह भौतिक परिवर्तन हो केक को चेंज हो जाएगा. ये केमिकल चेंज के आएगा. केमिकल में आएगा केला का सड़ना केला भी सड़ेगा तो किस में आएगा केमिकल में आ जाएगा हमारा कौन नंबर होगा बी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दस नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है एक बार दो बार शून्य बार तीन बार सुनिए जब प्रकाश से जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है ध्यान दीजिएगा प्रिज्म जो है ना लेंस का प्रत्येक भाग एक प्रिज्म की तरह काम करता है ध्यान दीजिएगा इसमें बताइएगा जब यहां से श्वेत प्रकाश गुजरेगा सूर्य का प्रकाश गुजरेगा श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश जब यहां से गुजरता है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हो गया सूर्य का प्रकाश हो गया श्वेत प्रकाश यहाँ ध्यान दीजिएगा हम यहां पर लिख दे रहे हैं श्वेत प्रकाश लिख दे रहे हैं और किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है ध्यान देंगे अब यहां पर आप यहां पर देखिए अपने मन से वो लंब खड़ा कर दिया गया यहां पर हो गया हवा हो गया और यहां पर हो गया प्रिज्म हो गया ये प्रिज्म हो गया तो ये बताइए जब इस सतह से जब प्रकाश निकलेगा तो यहां भी अपवर्तन होगा और दूसरा सतह से जब बाहर जाएगा वहां पर भी प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा बस अंतर यही है कि हवा हो गया बिरल माध्यम और प्रिज्म हो गया सघन माध्यम जब प्रकाश की किरण बिरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मूर्ति है तो इसको जाना चाहिए कहां पर तो कहिएगा जाना चाहिए इसको सीधे लेकिन सीधे ना जाकर यह अभिलंब की ओर मूर्ति है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ गया यहाँ पर ये बताइएगा अब ये प्रिज्म हो गया सघन माध्यम अब प्रकाश की किरण अब सघन से बिरल में जाएगी तो यहाँ पर भी एगो लंब खड़ा कर दीजिए यहाँ पर भी एगो लंब खड़ा कर दीजिए जिसको नॉर्मल कहा जाता है और प्रकाश की किरण अब बताइएगा ये सघन माध्यम से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगी तो बताइएगा इसी को कहते हैं निर्गत किरण इसी का नाम है निर्गत किरण कहते हैं तो ये फाइनली किधर मुड़ता है कही प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश की किरणों का दो बार अपवर्तन होता है कौ बार दो बार अपवर्तन होता है कहिएगा एक बार कब जब वो प्रिज्म में इन करती है तब और दूसरा बार कब जब वो प्रिज्म से बाहर की ओर निकलती है तब अगर यहीं पर सवाल कह दिया जाए कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है कि अभिलंब से दूर भागती है तो कहिएगा अभिलंब की ओर मूर्ति है क्योंकि बिरल से सघन में जा रहा है जब प्रकाश की किरण बिरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मूर्ति है और जब सघन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है सघन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है चलिए तो बताइएगा कितनी बार प्रकाश की कितनी कितनी बार अपवर्तन हुआ तो कहिएगा दो बार अपवर्तन होता है एक बार जब प्रिज्म में इन करती है तब और दूसरा जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तब चलिए एक बात समझ लीजिए लेबल का क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा आपको लेबल का क्वेश्चन अगर तो भीड़ तो सब, सब से हटकर चलो यार कामयाबी की ओर उधरे मिलेगा भीड़ के अधीन नहीं चलना है भीड़ से हटकर चलना है और भीड़ से हटकर चलने वाले ही कामयाब होते हैं अभी भीड़ तो बहुत है लेकिन भीड़ से थोड़ा हट जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दी गई अभिक्रिया डैश डैश का एक उदाहरण है ये अभिक्रिया किसके अंतर्गत आने वाला है पहला हमारे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है बी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एसओ फोर एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल ध्यान दीजिएगा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है आपको इस पर ध्यान नहीं देना है मेरी बातों पर ध्यान देना है मेरा काम है आपके लिए क्वेश्चन पटकना और आपका काम है समझना माइंड में सेट करना जितना बतला रहा हूं उतना ही कर दीजिएगा चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है हमारा बी ए सी एल टू और प्लस हमारा है एन ए टू एस ओ फोर और ये बनाता है क्या बनाएगा अभी उस पर नहीं जाइए आप लोग इसको आप तोड़िएगा तो कहिएगा बी ए प्लस प्लस एंड कहिएगा टू सी एल माइनस हो गया और इसको तोड़िएगा तो टू एन ए प्लस एंड एस ओ फोर माइनस माइनस याद रखिएगा इसका जो प्लस है इसके माइनस से क्रिया करेगा और इसका माइनस इसके प्लस से क्रिया करेगा मतलब कि आयन का इंटरचेंज करता है आयनों का अदला बदली कर लेता है इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस प्रकार की क्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये प्लस प्लस इसके माइनस से करेगा तब बी ए आ इसका माइनस जितना इस पर माइनस है उतना इस पर प्लस है तब बी ए ए फोर बना लेगा बेरियम सल्फेट बी ए ए फोर और प्लस ये बताइएगा यहाँ पर ये वाला इस ये माइनस इसके प्लस से तो कह दीजिएगा टू एन ए सी एल बना लेगा इसी का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का अदला बदली होता है आयनों का इंटरचेंज होता है तो बताइएगा आपके प्रश्न का जवाब विस्थापन अभिक्रिया नहीं विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से उसके बिलियन से डिस्प्लेस कर देता है हटा देता है तो ये क्रियाशीलता का क्रम जब हम लोग कभी देखेंगे तो क्रियाशीलता क्रम को ध्यान में रखना होगा इस तरह का सवाल पूछेगा अब घटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि उसको ताप के माध्यम से तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन के अगर उसको प्रकाश के माध्यम से तोड़िएगा तो प्रकाशीय विघटन हो जाएगा तो बहुत तरह का विघटन अभिक्रिया होती है लेकिन ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में आ जाएगा जो अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग याद रखिएगा यह बारह नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा सवाल है बहुत आसान सा सवाल है ये बताइए फटाफट आंसर इसका बताइएगा आप लोग कि क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है इसी का नाम है हमारा ट्राई ट्राइक्लोरोन कहा जाता है ट्राई क्लोरोथेन इसी को कहते हैं क्लोरोफर्म इसी का नाम क्या है क्लोरोफर्म के नाम से जाना जाता है ट्रो क्लोरोफर्म कहते हैं और याद रखिएगा यही हमारा निश्चेतक का काम करता है निश्चेतक का काम करता है और यही हमारा क्लोरोफर्म हो गया निश्चेतक का काम करता है ये हमारा हो गया इथेन इथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्रा कलोराइड के नाम से जाना जाता है इसी को कहते हैं हम लोग पायरीन के नाम से जानते हैं पायरीन और बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसी का यूज किया जाता है बिजली से लगी लगी आग को बुझाने के लिए बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है बुझाने में हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं और ये बेचारा हो गया मीथेन हो गया जिसको हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन कहिए चाहे मार्स गैस कहिए और यह बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है गोबर गैस का मेन कंपोनेंट होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य कंपोनेंट होता है सीएनजी का मुख्य कंपोनेंट होता है इसी का नाम है ट्राईक्लोरोमीथेन इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म ये निश्चेतक का, का काम करता है एनेस्थेसिया का काम करता है हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि हवा और प्रकाश से क्रिया करकर फॉसजीन नामक विषैली गैस का निर्माण कर लेता है बेहोश करने के काम में आता है <coughs> चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो बताइए प्रश्न का जवाब कौन बन गया क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो हो गया ये हमारा हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है यह देखिएगा पायरुवेट जो होता है पायरुवेट या पायरुविक अम्ल होती है पायरुवेट जो होता है ना ये कह दीजिएगा O2 जब एबसेंट होता है देखिए O2 जब ओटू एबसेंट कहिएगा इष्ट में होता है ये इष्ट में होती है और ये बनाता है C2H5OH प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा मिलता है ये तो ये बन गया इसमें हो गया और अगर यहीं पर रहता है अगर इसी में कह दीजिएगा कि O2 जो होता है ना O2 प्रजेंट O2 प्रेजेंट होता है तो कहिएगा माइट्रोकोंडिया के माइट्रोकोंडिया के मैटिक्स में होता है मैटिक्स में और इस क्रिया का नाम है क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल कहते हैं क्रेब्स साइकिल होती है ये और ये बन जाता है क्या चीज में तो कहिएगा सी ओ टू और प्लस एच टू ओ और प्लस ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा यहाँ पर ए टी पी के रूप में मिलता है ये और याद रखिएगा यही जब हमारा ऑक्सीजन का अभाव होता है O2 का अभाव O2 का अगर अभाव मिलेगा तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड में बन जाता है और ये कहते हैं कि मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है ये ये दर्द का कारण बनता है ज़्यादा व्यायाम करने से एक्सरसाइज करने से तो कहिएगा कि O2 का अभाव हो जाता है जिसके कारण ये पायुर्वेद जो होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है और ये इष्ट की क्रिया जो होती है यही किनवन होती है

आप लोगों को जब मैं रेलवे के एथी पे बोगी में बैठा दिया हूं लोको पायलट टेक्निशियन वाले बोगी में बैठा दिया हूं तो किसी दूसरे को भी तो आने दो भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो लॉक नहीं करो आने तो हम ऐसा उपाय करेंगे कि लॉक का एक ऐसा सिस्टम कि जब जैसे ही कोई आदमी आएगा कि नहीं हमको भी लोको पायलट की सवारी करनी है तो हम ऐसा चीज लगा देंगे कि उसके जाते जाते दरवाजा वो खुल जाएगा मेट्रो जैसा कर देंगे ठीक ना हम मेट्रो जैसा कर देंगे तो बस आपका सारा कुछ अरे बुलाओ सबको बुलाओ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ सवारी करना है तो आ जाओ अगले वाले को फोन कर दीजिए इसका छूट गया बोलेगा कि तुम इससे भी ज़्यादा स्पीड चलने वाली गाड़ी से जाकर अगले स्टेशन पर इंतजार करो के लिए आगे बढ़ जाते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, ये आ गया आ गया, देखिए आ गया एक वयस्क मनुष्य के मुख्य में केवल डैश क्रिंतक होते हैं ये बताइएगा क्रिंतक का मतलब होता है क्रिंतक का मतलब होता है इनसीजर की बात करते हैं हम लोग इन सीजर इन इंसीजर की बात करते हैं यहां ध्यान दीजिएगा हमारे मुंह में दांत को गो होता है तो कहिएगा दांत एक बेस्क में दांत की संख्या होता है आपका बत्तीस गो होता है डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड पूछेंगे तो बीस गो होता है ध्यान दीजिएगा हम यहाँ लिख रहे हैं कि डेंटल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ एडल्ट एडल्ट की बात करते हैं तो ये कह दीजिएगा इक्कीस सौ तेईस बटा इक्कीस सौ तेईस और गुने दो कर दीजिएगा मतलब ये हो गया यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बस इसी को ही ध्यान देना है पहले हम ऐसे कर दे रहे हैं ऐसे कर दे रहे हैं तो ये कह दीजिएगा इक्कीस सौ तेईस मान तीन दो पांच या तीन आठ दुना सोलह तो ऊपर का में सोलह गो रहेगा निचल का में सोलह गो रहेगा यही ना रहेगा और हम इसको बांट दे रहे हैं ऐसे ऐसे बांट दिए तो चार भागों में बांट दिए यहां पर देखिएगा ये होता है दो नंबर वाला ये हो गया हमारा इनसेजर ये नाइन हो गया यहां पर इस तरह के यहां पर इस तरह का यहां पर इस तरह यहां पर दो को कर दिया गया यहां पर हो ध्यान दीजिएगा हम इसको जरा रंग दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में देखिए ये वाला हमारा हो गया ये वाला हमारा हो गया नुकीला हिस्सा हो गया ना नुकीला भाग हो गया ये हमारा ये नुकीला हो गया अब यहाँ पर देखिए आप लोग अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ना ये वाला अलग पार्ट कर दिए हम लोग यहाँ पर ये ये अलग पार्ट हो गया यहाँ पर ये ये दो गो हो गया हमारा और यहां पर कर दे रहे हैं इसको अलग कर दे रहे हैं यहां पर यहां पर इसको हम कर दे रहे हैं इस तरह से देखिए ये तीन गो वाला हो गया यहां पर ये तीन गो वाला हो गया आप इसको कह दीजिएगा ये दो गो वाला हो गया दो ये हो गया एक ये हो गया हमारा दो ये हो गया हमारा तीन गो वाला ये हो गया थ्री वाला तो दो वाले को कहते हैं दो बराबर हो गया दो का मतलब हो गया दो वाले को कहते हैं ध्यान दीजिएगा ये होता है इनसीजर ये होता है केनाइन ये होता है पीरी मोलर और ये होता है मोलर ये होता है मोलर होती है तो ध्यान दीजिएगा इस खांचा में इनसीजर आई का मतलब होता है इनसीजर इनसीजर सी का मतलब हो गया हमारा क्या केनाइन हो गया केनाइन माने नोचने वाला पीएम का मतलब होता है प्री मोलर प्री मोलर हो गया और एम का मतलब हो गया मोलर ये मोलर हो गया इसका काम है काटना इसका काम है क्या काटना इसका काम है चिड़ना फाड़ना चीरना और इसका काम है चीरना प्लस फाड़ना चिड़ने फाड़ने का काम करता है और ये काम करता है ये काम करता है पीसना और चबाना चबाना ची पीसना और चबाना पीसना प्लस चबाना ये पीसने और चबाने का काम करता है और ध्यान दीजिएगा इसमें पूरा दांत खत्म हो जाएगा पूरा दांत खत्म हो जाएगा इसमें और बताइएगा कह दिया जा रहा है कि इंसीजर बताइए इसमें कौ गो हो गया तो कहिएगा इंसीजर देखिए इंसीजर की बात करते हैं इंसीजर बताइए कितना हो गया दो गो इसमें दो गो इसमें दो गो इसमें दो गो इसमें तो दो गुणे चार बराबर आठ गो केनाइन सी का मतलब क्या होता है केनाइन जो चीरता है फाड़ता है कुत्ता में ज्यादा डेवलप होता है कुत्ता क्या करता है मांस को लगाता है और नोच लेता है साफ ये नोच लेता है तब बताइएगा एनसीजर केनाइन की बात करते हैं केनाइन कौ गो है तो कहिएगा ए गो लेकिन कौ गो खाचा है चार गो खाँचा है तो एक गुने चार बराबर चार कर दीजिएगा ए होता है प्री मोलर प्रीमोलर में कौ गो है तो कहिएगा सर जी दो गो है लेकिन चार गो खाँचा है दो गुने चार बराबर आठ गो हो गया मोलर में कौ गो हो गया तो कहिएगा मोलर मोलर में हो गया तीन गुण चार बराबर बारह गो कॉल मिलाकर को गो हो गया बत्तीस गो हुआ नहीं हुआ बत्तीस गो तो किस में पूछ रहा है फटाफट बतलाइए आप लोग किस में पूछा जा रहा है कहिएगा एक वयस्क मनुष्य के मुख्य में केवल डैश क्रिंतक होते हैं क्रिंतक क्रिंतक का मतलब होता है इंसीजर पूछ रहा है इनसीजर इनसीजर की संख्या पूछ रहा है क्रिंतक होता है रदनक होता है और आपका अग्र चवरनक होता है और चवरनक होता है इंसीजर का मतलब होता है क्रिंतक, इंसीजर का मतलब होता है होती होती है, है। यहाँ पर केनाइन का मतलब होता है रदनक होती है रदनक होती है और यहाँ प्री मोलर माने क्या होता है अग्र चवरनक और एगो होता है चवरनक कौ गो हो गया तो कहीगा हो गया तो अब नहीं ना भूल पाइएगा आप लोग नहीं भूल पाएंगे अब बच्चा में पूछा जाएगा डेंटल फॉर्मूला तो इक्कीस सौ दो बटा इक्कीस सौ दो कर दीजिएगा चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग माने अस्थि भंग माने कि फ्रैक्चर हो जाता है अरे बाबा फुटबॉल एक आदमी खेल रहा है आप ही है गुल्ली डंडा खेलिएगा और आप गिर जाइएगा आप ये क्रिकेट खेलिएगा गिर गिर जाइएगा आप ये बैडमिंटन खेलिएगा गिर जाइएगा तब तो बैडमिंटन खेलिएगा गिर जाइएगा तो आपका गोर हाथ टूट जाएगा तो बताइएगा टूट जाएगा तो आप जाइएगा तो डॉक्टर के पास डॉक्टर कहेगा कि पहले इसका एक्सरे कर देखते हैं कि टूटल है कि नहीं टूटल है तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि टूटल है भाई तो टूटल है तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आइए अंदर आइए और अंदर आने के बाद में पंद्रह मिनट के बाद देखिएगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक प्लास्तरा रहेगा और वो टन टन करेगा तो व कर नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं पीओपी कहते हैं और जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 200 सौ आपका यानी कि जब, जब जब हम लोग जिप्सम को तीन सौ तिहत्तर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है तो वही कह रहा है कि उसका हड्डी टूट गया वह अस्पताल गया डॉक्टर ने एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके एक्स का मान क्या है तो एक्स बराबर होता है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो ये है एक्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिसका सूत्र होता है इसी को शॉर्टकट में पीओपी कहते हैं और इसका सूत्र होता है सी एसओ फोर इन हाफ एच टू ओ इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं हेमी हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसमें आधा वाटर मोलकूल है इसमें आधा इसमें आधा वाटर मोलकूल है और जिप्सम का सूत्र होता है सी ए एस ओ फोर इंटू टू एच टू ओ और इसी को ना गर्म किया गया है जब इसी को गर्म कीजिएगा तीन सौ तिहत्तर ती टेम्परेचर पर तो ये प्राप्त होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है एन ए ओ एच होती है और यहां कैल्सियम सल्फेट का सूत्र होता है सल्फेट तो कैल्सियम सल्फेट तो यहां पर हमारा सी एसओ फोर कैल्सियम सल्फेट की बात करते हैं सी ऑप्शन फोर राइट ऑप्शन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा हो जाएगा चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है पीओपी हो जाएगा, P. O. P. हो जाएगा। <laughs> अगला सवाल देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा नीले लिटमस पत्र को सुनिए या तो वो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो अम्ल होगा या तो होगा आपका यही ना तो कोडिंग समझिए आप लोग एसिड के लिए ए बी आर ए का मतलब होता है एसिड ए का मतलब हो गया एसिड और एसिड का मतलब होता है पीएच लेस देन सेवन इसका पीएच मान सात से कम होता है और ये कह दीजिएगा ब्लू टू रेड ब्लू टू रेड ब्लू टू रेड कर देता है एसिड का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना और एक होता है हमारा बी आर बी एक होता है हमारा बी आर बी तो याद रखिएगा बी का मतलब होता है बेस बेस जो होता है पी एच मान जो होता है ग्रेटर देन सेवन और ये होता है रेड टू ब्लू रेड टू ब्लू कह दीजिएगा रेड टू ब्लू लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कोडिंग समझना है आपको एसिड का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना और बेस का काम है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना तो बताइएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा कहिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है नीला को लाल नीला को लाल कर देगा तो जरूर हमारा एसिड होगा धवन सोडा का बिलियन ये हमारा बेस होता है धवन सोडा का बिलियन बेस होता है बेकिंग सोडा का बिलियन भी बेस होता है इसका भी पीएच मान सात से ज़्यादा चूना पानी भी हमारा बेस होता है ये भी हमारा बेस होती है और ये सिरका का मतलब होता है एसिटिक एसिड एसेट होती है क्यों कौन एसिड एसिटिक एसिड एसेट होती है जिसका सूत्र होता है सी एच थ्री सी डबल ओ एच होती है यही होता है एसिटिक एसिड एसेट का सूत्र होता है और इसी में हमारा सिरका में एसिटिक एसिड एसेट पाया जाता है जिसका काम है आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना प्रश्न का सही जवाब आ गया क्वेश्चन का आंसर डी आ गया चलिए एक बार एक बार आप लोग जोरदार आप लोग एक बार आप लोग को समझ में आ रही है एक बार आप लोग समझ में आ रही है एक नंबर लिख कर भेजिए वन नंबर लिख कर भेजिए एक बढ़िया समझ में आ रही है वन नंबर लिखकर आप लोग कमेंट सेक्शन पर जवाब दीजिए वन लिटमस जो होता है ना लाइकेन से प्राप्त किया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है थैलोफाइटा समूह का सदस्य है ये ये लाइकेन जो होता है कवक और हाँ कवक और सहवाल से मिलकर बना होता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा समझ गया मैं कि आप सभी को अब समझ में आ रही है धुआं धुआं कर देंगे आप लोग अब चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आ गया देखिए <laughs> देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर अगला देखिए ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी का सवाल है डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज मेलिटस मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए इनलेट्स इल, ऑफ लैंगर हैं इनलेट्स ऑफ लैंगर हैंक्स द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है आप लोग बताइएगा पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय है, अगनाश कहते हैं ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होती है ये हमारा हो गया मिक्स्ड ग्लैंड हो गया और मिक्स्ड ग्लैंड में भी देखिएगा तो कहिएगा इंडोक्राइन इंडोक्राइन और प्लस यहाँ देखिए यहाँ लिख देने दीजिए इंडो हमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी होता है यहाँ देखिएगा तो इंडो होती है इंडो भी होती है और एगो होता है हमारा एक्सोक्राइन भी होती है इंडोक्राइन को कहते हैं इसके लैंगर के द्वीपिका लैंगर की द्वीपिका लैंगर हैं इसमें तीन प्रकार का सेल होता है अल्फा होता है बीटा होता है और गामा या डेल्टा होती है गामा या डेल्टा होती है ये बीटा जो होता है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है और याद रखिएगा कम स्राव से कम स्राव कम स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में ग्लूकोज ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसको डायबिटीज कहा जाता है वही डायबिटीज में लिटस को नियंत्रित करने के लिए आइसो इल... आ... आपका आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस लैंगर हैंस का इनलेट्स ऑफ लैंगर हैंस बताइएगा इंसुलिन करता है कि रेनिन की टाइलिन करता है इंसुलिन करता है रेनिन जो होता है दूध में पाए जाने दूध में पाया जाता है दूध में पाए जाने वाला दूध में पाए जाने वाला दूध में दूध में ये पाया जाता है यहाँ लिख दे रहे हैं टाइलिन जो होता है ना टाइलिन जो होता है ये जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुख में पाया जाता है और ये कह दीजिएगा मुख में पाया जाता है मुख में पाया जाता है लार ग्रंथि का नाम सुने ना लार ग्रंथि ये जो टाइलिन एंजाइम का सेग्रेशन करता है रेनिन एंजाइम रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसीन कहते हैं और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन तो कहिएगा दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को रेनिन कहते हैं और इसको पचाने के लिए केसीन केसीन प्रोटीन जिम्मेवार होती है केसीन केसिन जो होती है देखिए दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहा जाता है केसिन प्रोटीन और उसको बचाने का काम कौन करता है रेनिन करता है रेनिन दूध में दूध में पाए जाने वाले यहाँ पर लिख दीजिएगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा यहाँ पर दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसिन कहा जाता है और बताइएगा उसको बचाने का काम कौन करता है रेनिन चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं प्रश्न का जवाब बन गया हमारा यहाँ पर चलिए आगे आ जाते हैं अगला कि डैश इंजाइम नहीं है इंजाइम इंसुलिन क्या है हार्मोन है इसलिए कि अंतस्रावी ग्रंथि जो होता है हार्मोन का अंत अंतस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करता है पेप्सिन हमारा इंजाइम है क्योंकि बह श्राविक का सिक्रेशन है यहाँ पर देखिए पेप्सिन हमारा एंजाइम है ये एमाइलेज हमारा एंजाइम है ये भी हमारा एंजाइम है लाइपेज हमारा एंजाइम है ये भी एंजाइम है ये याद रखिएगा ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है लाइपेज जो होता है फैट को पचाता है फैट का पाचन फैट का ये पाचन करता है ये ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ये पेप्सिन जो है ना प्रोटीन का पाचन करता है और इंसुलिन जो होती है ना इंसुलिन जो होती है बीटा सेल का सेक्रेशन है ये इंजाइम नहीं है ये हमारा हार्मोन है चलिए प्रश्न का सही जवाब बन गया हमारा दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसिन कहा जाता है केसिन ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अट्ठारह क्वेश्चन था जी चलिए अट्ठारह क्वेश्चन था आज शायद अट्ठारह ही क्वेश्चन आज था आपका चलिए ओके बाय हम लोग फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं कल आज अट्ठारह क्वेश्चन का ही सीरीज था आप लोगों का अट्ठारह क्वेश्चन का ही सीरीज था क्वेश्चन शायद घट गया होगा तो हमको फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा चलिए कोई बात नहीं ओके बाय बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यह हार्मोन है कौन एंजाइम कौन है दूध पीजिए दूध पीना है कोई दिक्कत नहीं है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैसीन कहा जाता है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैसीन कहते हैं कैसी प्रोटीन कहा जाता है